तो इसी के साथ मैच की शुरुआत होते हुए फर्स्ट बॉल, पहली बॉल सामने की ओर डाली थी ये बॉल और जाएगी सीधा विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं इस पे, एक बॉल जीरो रन्स। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था इन्होंने पिछले मैच में, क्या इस मैच में भी वो वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे? दूसरी बॉल इनके शरीर को छूके जाती हुई, अंपायर का इशारा क्या होगा? लेग बाइस है, यस लेग बाइस होगा ये। दो बॉल एक रन, अभी तक किसी भी बल्लेबाज के खाते में तो रन नहीं गया है। तीसरी बॉल अंपायर से कुछ, अंपायर का निर्णय वाइड बॉल। कपिल पाटिल अपनी तीसरी बॉल के साथ, इस बार बॉल को पुल शॉट खेला है और मिलेगा चार रन, करारा पुल मारा ये। तीन बॉल छह रन, इस बार फिर से उसी टप्पे पे थी ये बॉल, इस बार स्टेप आउट करके मारने की कोशिश थी लेकिन सफल नहीं रहे, इसकी ओर से मिलेगा इस गेंद पे डॉट। अभी भी खाली बॉल में बढ़त हुई है, रन में तो नहीं बढ़त हुई है, चार बॉल छह रन। बल्लेबाज के लिए फिर से परेशानी खड़ी करते हुए पांचवी बॉल पे एक और डॉट, कपिल पाटिल अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए। अपनी आखिरी बॉल के साथ चल पड़े कपिल, क्या सोच होगी इस वक्त बैट्समैन की, कहां पे खेलना चाहेंगे, या आगे खेलना चाहेंगे या किसी और दिशा में? बिल्कुल एज लगी और जाने दिया इस गेंद को, क्योंकि अगर इस गेंद को नहीं भी पकड़ा तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मिलेगा केवल एक रन वो भी डिक्लेयर्ड। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, सात रन बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर के लिए कौन आ रहे हैं? नए गेंदबाज यश, बल्लेबाजी में कोई चेंज नहीं, गेंदबाज यश चल पड़े अपनी दूसरी ओवर के साथ। बैट्समैन बिल्कुल तैयार खड़े इस वक्त, उन्हें कोई भी बॉल अब हिट करने के लिए चाहिए। पहली बॉल अंपायर का इशारा आउट है, सीधा पवेलियन की ओर भेजा इन्हें। सागर गायकवाड़ जहां भी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स में अवेलेबल हो जाए।
यश यश इनको पहली बॉल पे सफलता मिली। नए बैट्समैन सैफ। इस बार फिर से एज लगी और गई फील्डर के हाथ में। अंपायर का इशारा आउट। क्योंकि अब वो हैट्रिक पर है, लगातार दो बॉल पे दो विकेट। नए बैट्समैन बाला, क्या लगता है आप सभी को कि यश हैट्रिक ले सकते हैं? क्योंकि यश पूरी तैयारी में होंगे, अभी जड़ में गेंद या तो सीधा सर पे ये गेंद। यश तैयार अपनी तीसरी गेंद के साथ, दो बॉल दो विकेट। सामने बाला, इस बार प्लेट किया इस बॉल को और फील्डर के हाथ में मिलेगा एक रन। भले ही हैट्रिक मिली ना हो, लेकिन अपनी तीन गेंदों से इन्होंने ये तो जता दिया कि किस कदर के गेंदबाज हैं। रोहित अभी भी खड़े हैं स्ट्राइक पे, ये अगर एंड तक रहेगा तो काफी रन्स देखने के लिए भी मिल सकते हैं। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलने पे मजबूर कर दिया, फील्डर नीचे है और पकड़ी जाएगी कैच, तीसरी विकेट। यश की तरफ से काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है, चार गेंदे तीन विकेट एक रन। अगर यही लॉफ्टेड शॉट इसके पहले बॉल पे खेला होता तो यश अभी इससे ज्यादा खुश होते। यश ने चार गेंदों में तीन विकेट चटकाए हैं, केवल एक रन देकर। नए बैट्समैन सोनू, सोनू से काफी उम्मीदें लगाएगी उनकी टीम, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो भी एक बड़ा टारगेट दे। लेकिन सामने यश, फिर से पीछे की ओर कट किया इस गेंद को, पीछे डिक्लेरेंस है, लेकिन अगर बॉल दीवार पे लगती फिर भी दो मिलते और भाग के भी उन्होंने केवल दो ही रन लिए। सामने मैच में दोनों टीम में गर्मा गर्मी चल रही है इस वक्त। सोनू से लोग काफी कुछ उम्मीदें लगा के बैठे, पवेलियन से आवाज दी जा रही है उनको। एक और बार अपनी पेस से दिखाया कि आप इतने आसानी से तो नहीं खेल सकते ये बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीन रन दिए इस ओवर में टोटल और विकेट भी तीन। ये ओवर काफी काफी घातक साबित हो सकता है सामने वाली टीम के लिए। दो ओवर दस रन तीन विकेट के नुकसान पर।
नए बॉलर रिद्धेश पाटिल, क्या ये भी यश की तरह कुछ अपने जलवे बिखेर सकते हैं? क्योंकि सभी अभी इस वक्त सोच रहे हैं बॉलिंग साइड बहुत पावरफुल है, बैटिंग साइड पे प्रेशर बहुत बन रहा है, लेकिन एक ओवर लगता है प्रेशर रिलीज करने के लिए, क्या वो इस वक्त कर सकते हैं? ये बॉल स्लॉट में तो थी, पहुंचाना चाहते थे प्लॉट में, लेकिन नहीं, जड़ में फंसी है गेंद, डॉट बॉल, एक बॉल 10 रन। बॉलर को टिप्स देने के लिए कुछ प्लेयर वहां खड़े हैं, और इस बार सीधी बैट पे चढ़ी तो है ये गेंद, लेकिन कहां तक सफर करेगी? फील्डर के हाथों तक। इसी के साथ एक और विकेट गवाया, बिल्कुल बॉलिंग में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड पे खाली बॉलर्स खेल रहे, बैट्समैन आ रहे हैं जा रहे, आ रहे जा रहे। अगर आपको गेंद लगे तो कमेंट्री वालों की तरफ सोच क्या है, 4 रन मिलेंगे डीजे। इसी के साथ 4 गेंद हुए, 31 रन, 4 गेंद, 4 विकेट के नुकसान पर, 31 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 4 बॉल, सॉरी 21 21। एक्वीस सॉरी माफी
इस बार फिर से खूबसूरत शॉट, ये सामने की तरफ ड्राइव खेला, जाएगी फिर भी फील्डर के हाथ में और आदि को मिलेंगे 2 रन। आदि धीरे 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 अपनी नाव को आगे ले जाते हुए, बॉलिंग टीम को मैच पे ध्यान रखना होगा वरना आदि आपके नाक के नीचे से मैच ले जाएंगे। ओ लगता है इनके सर पे बॉल लगी है, लेकिन अपने टीम के लिए रन बनाते हुए इन्हें सराहना चाहिए कि लगते हुए बॉल तो भी इन्होंने रन भागा है। इस पे मिलेंगे 1 रन, धाव संख्या में बढ़त 24 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 24 रन। जो प्रेशर अभी बैटिंग साइड पे था वो धीरे धीरे डिवाइड होता जा रहा है, दोनों साइड प्रेशर बराबरी का, क्योंकि आदि सामने खड़े, आदि एक दीवार बन के खड़े कि उन्हें रन बटोरने हैं, तो क्या वेरिएशन होंगे बॉलिंग में। नए बॉलर आशु, इनकी भी गेंदबाजी में कोई ना कोई तो वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनके सभी बॉलर्स खास लग रहे हैं। आशु फर्स्ट बॉल, आदि की तरफ से खींचा हुआ शॉट, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा डॉट बॉल। आदि अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं कि अपनी टीम को आगे ले जाएं। फिर से यॉर्कर 2 डॉट बॉल, आपके लिए काफी महंगा साबित हो सकता है ये, क्योंकि अभी तक स्कोर 30 के भी पार नहीं हुआ है। फिर से अपनी तेजी को बता रहे, विकेट कीपर की जोरदार अपील। ओहो, किसी को भी पता नहीं था ये कि ये विकेट है। विकेट कीपर ने काफी अच्छा काम किया, इसके वजह से जिन्होंने रन बनाए आदि उनको पवेलियन की तरफ वापस जाना पड़ेगा। डीजे नए बैट्समैन तेजस, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आशु को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो लेवल की गेंदबाजी की है ना, अभी फुल पेस दिख रहा है इनके गेंदबाजी में, लेकिन तेजस को भी नई शॉट खेलने दे रहे हैं। अंपायर का इशारा आउट, अपनी जान हलक पे लेके भागे थे, या तो हाथ में आता या तो हाथ से छूट जाता, और अंजाम हुआ कि बॉल हाथ में आया और इसके साथ मिली विकेट। इसी के साथ तेजस को बाहर जाना पड़ेगा। डीजे, इसी के साथ सुजल भोईर का केक आ चुका है, मैच के समाप्ति पर इनके लिए इनके केक कटिंग होगी। दो गेंदों के बाद आपके साथ जुड़ेंगे प्रथमेश ठाकुर, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं ये हमारे कमेंटेटर मित्र, इनके अंडर शिक्षण ले रहा हूं। फिर से यॉर्कर, यॉर्कर पे ही भरोसा दिखाया है, किसी को ना मारने दे रहे हैं ना कुछ, लगातार 5 डॉट गेंदे, 2 विकेट मिली है, क्या मेडन ओवर हो सकता है। इसके पहले भी कपिल पाटिल ने ऐसे स्पेल डाल के बहुत ही इंप्रेस किया था, और सेम आशु, क्या विकेट मिलेगा, विकेट मिला तो ये डॉट लेग बाइस, इसका मतलब ये होगी मेडन ओवर।
इसी के साथ इस टूर्नामेंट में फर्स्ट इनिंग हुई समाप्त। अब जुड़ेंगे आपके साथ प्रथमेश ठाकुर। तसं चार ओव्हरची मॅच आहे आणि धावसंख्या पहिले बनवला 25 आणि 26 26 धावांचं लक्ष, थँक्यू सो मच सनी सिंग। आणि 26 26 धावांचं लक्ष आहे या मॅचमध्ये। 25 पहिले बनवला पूर्वार्धामध्ये, चार षटकामध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी तुम्ही पाहिली कल्पेशची, कल्पेशनं या स्पेलमध्ये देखील इम्प्रेस केलं, धावसंख्या अवघ्या 5 खर्च केल्या, त्यानंतर मात्र यशने इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केली आहे, 3 धावा खर्च करून 3 विकेट इथनं कम्प्लीट केलं यश, ओव्हर हॅट्रिक यशनं कम्प्लीट केलं, व्हेरी गुड बॉलिंग। त्यानंतर रिद्धेशचा षटक तुम्ही पाहिलं, थोडंसं मागडं होतं 14 धावांचं, एक विकेट त्याला जरूर मिळाली, पण त्यानंतर मात्र अश्विनने केलेला सुंदर कमबॅक, या स्पर्धेतलं पहिलं मेडन षटक त्यानं हाताळलं, निर्धाव षटक आपण पाहिलं आणि जिथे त्याला एक विकेट देखील मिळाली। मॅच सध्याच्या घडीला सुरू आहे, जय गणेश इलेव्हन आणि रिची जितू, निलेश इलेव्हन डोंबिवली। मॅच लेवल पुन्हा एकदा सुरुवात, मॅच तुम्हाला मात्र भरपूर चांगली पाहायला मिळेल। बघा जय गणेश इलेव्हन संघाचा विचार केला तर गेल्या मॅचमध्ये त्यांनी एक चेंडू 5 धावांची करत असताना बालान षटकार टोकला गोल्डन सिक्सराने, तिथे जे सामना जिंकले, पण त्यानंतर मात्र त्यांच्यासमोर मोठं आणि तिखट आव्हान आलं। रिची जेतू निलेश इलेव्हन डोंबिवली हा संघ तुम्हाला मात्र त्यांच्यासमोर पाहायला मिळाला आणि त्यानुषंगानं अगदी विचार केला तर गोलंदाजी करताना पूर्वार्धामध्ये चारही गोलंदाजांनी सुंदर कामगिरी केली, कौतुक करेन मी यश, त्यानंतर कपिलचा देखील सुंदर षटक, रितेश थोडंसं मागणं ठरला, त्यानंतर मात्र अश्रून मेडन ओव्हर हाताळला, आशू अगदी विचार केला तर एकही धावताना खर्च केला नाही, एक विकेट देखील त्याला मिळाली, सुंदर सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन पूर्वार्धामध्ये रेसी जितू निलेश इलेव्हन डोंबिवली या संघानं आपल्याला दाखवलं। आणि आता बॅटिंग करताना त्यांच्यासमोर लक्ष आहे, चार षटकांच्या मॅचमध्ये 26 26 धावांचं। बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज, पहिला षटक किडनीला तुम्ही पाहतायत, हा चेंडू भरपूर चांगला आहे, हलकीशी अपील तुम्हाला मात्र पाहायला मिळते, पंचांवरती कोणत्याही प्रकारचा इम्पॅक्ट या अपीलचा पडलेला नाही आहे, चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये तुम्हाला मात्र पाहायला मिळतोय, डॉट ऋतिक पाटील आणि त्याच्यासोबत योगेश पाटील यांना तुम्ही पाहतात, बालत्या ऋतिक पाटील अगदी विचार केला तर लेदर बॉल क्रिकेट देखील काय सुंदर खेळतोय सध्या, लेदर बॉल क्रिकेट वरती जास्त फोकस ऋतिक पाटील तुम्ही त्यांना पाहतात, जेन्युन ऑलराऊंडर अष्टपैलू खेळाडू म्हणून तो लेदर बॉल क्रिकेट वरती देखील खेळत असतो। बोलत या सॉफ्टने खेळलेत फटका, बाहेरची गाडा बॅटची लागते आणि तिथे चेंडू मात्र पॉइंटच्या रिजन मध्ये, सेकंडचा कॉल, ओ दुसरी धाव वेगाने कंप्लीट केली, व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, धावा 2।
सोडून दिलाय ऑफस्टंपच्या बाहेर. चेंडू व्हाइट बॉलचा इशारा अंपायरचा. एक्स्ट्रा रन मिळते आणि एक्स्ट्राच्या मदतीनं तन्मय आम्हाला माहिती देतात टोटल येऊन पोहोचली आहे 3 धावांवरती. 3 on a boat, 3 चेंडू आणि 3 धावा. 26 लक्ष 24 चेंडूंची मॅच होती, त्यामध्ये 3 बनल्यात. ऑन साइडला प्रहार करण्याचा प्रयत्न, फर्स्ट लाईक का पाहायला गेल. इनफील्ड मध्ये क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावलेत, जजमेंट होतच नाहीये. आणि या दरम्यान मात्र 2 धावा कंप्लीट करण्यात आला. 3रा धावेचा प्रयत्न, योगेश पाटील धावतायत, वेगाने पोहोचतील पॉपी क्रीस मध्ये, फ्रेम मध्ये देखील आलेले आहेत. धावसंख्या इथं कंप्लीट केल्या गेल्या तब्बल 3 आणि धाव फलक 3 ने पुढे 6 वरती. 26 करायच्या होत्या, 6 झाल्यात, 20 अजूनही गरज आहे. ही मॅच झाल्याच्या नंतर आपण नक्कीच वाढदिवस साजरा करूया. आपण पहिले सुजल भोईर यांचा ऑन साइडला खेळलेला फटका, स्वीप करण्याचा प्रयत्न, किडनीने चूक केली आहे. बघा इथे ही एक चोरटी धाव, दिवसा ढवळ्या एका धावेची चोरी केली आहे. धावसंख्या सिंगल ने पुढे 7 वर. आमच्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सागर गायकवाड, विपुल गायकवाड, तन्मय पाटील तुम्हाला मात्र पाहायला मिळतात, त्याचप्रमाणे महेश गायकवाड, त्यानंतर वीरू असतील आमचे, मिनल मामा असतील. सर्वांचं चांगलं योगदान या स्पर्धेला मात्र चांगलं बनवण्यासाठी, सुंदर बनवण्यासाठी. डायरेक्ट इट निकेश अभिलाषांना, डोने यांचा मी आभार व्यक्त करतो, ज्यांनी आम्हाला हे क्रीडांगण स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिलं, त्यांचा आभार स्पर्धेच्या माध्यमातून. सिंगल ने केली पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावरती बिनबाद 8, 8 फॉर लॉस ऑफ 0 आफ्टर 1 टीम रिची जितू निलेश 11 डोंबिवली. बघा अगदी विचार केला तर जय गणेश 11 क्रिकेट संघाचे मेंटर तुम्हाला मात्र पाहायला मिळतं, थॉमस दास. यापूर्वी ते स्कोरच्या भूमिकेमध्ये मध्ये, पण जशी मॅच सुरू झाली आपल्या संघाची, तसे ते ॲज अ मेंटर ते तुम्हाला व्यासपीठाच्या अगदी समोर पाहायला मिळतात. डिक्लेअर झोनमध्ये बॉल, इथे देखील सिंगल. हेमंत आपण तिथे समोर उभे राहा, तिथे चेंडू भरपूर जातात. चॉईस बॉल नसलेल्या गोष्टीची नोंद घ्या, फक्त स्टार्टिंगला जो तुम्ही मॅच सुरू होण्याच्या पहिले बॉल चॉईस कराल तोच एक चॉईस बॉल असेल, त्यानंतर कमिटी चॉईस. धावसंख्या 9 सोडून दिलाय, व्हाइट बॉल लेग स्टंपच्या बाहेरून बॉल. त्या अनुषंगाने अंपायरला मात्र हात खुलावे लागतात, जमिनीला दोन्ही हात अंपायर ते समांतर. धाव मिळते अवांतर, अवांतरने धाव फलक पुढे, टीमची टोटल 10. यार पुन्हा एकदा बोलिंग ट्रॅकवर. ऑफ साइडला खेळलेत फटका, हा देखील डिक्लेअर झोन मध्ये, सिंगल साठी तुम्हाला मात्र पाहायला मिळेल. बोलत यार पुन्हा एकदा बोलिंग ट्रॅक वरती. ऑन साइड ला हुक केलाय, फटका चांगला, स्क्वेअर लेग ला फिल्डर त्यांच्या अबाक्याच्या बाहेर, चौकार.
षटकाची समाप्ती, टीमची टोटल धावसंख्या धावफलकावरती 20, येणारे 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. सॉफ्ट एंड पिच खेळले आहेत, कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये बॉल चला, स्वीपर कव्हरला, चेंडू डायव्हर्ट झाला, फिल्डर तिथे, मिस्टेक घडली, दोन धावा इथन कंप्लीट केला गेला. व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे, टीमची टोटल सध्या तुम्हाला पाहायला मिळते 22 वर. आणि धर्मांचा तुम्ही बॉल पाहिला तर अंपायर आय थिंक वळतात, व्हाईट बॉल, येस, अवांतर धाव. ओ ऑफिशियल आहेत आणि हा फटका बादची हवा काढणार आहे, जबरदस्त फटका. आणि अशा प्रकारे सामना इथन जिंकून दिलाय ऋतिक पाटील आपल्या स्टाईल मध्ये. सामना संपला, मॅच फिनिश, सामना इथन जिंकलाय, ते म्हणजे रिची जितू निलेश इलेव्हन डोंबिवली न अभिनंदन टीम रिची जितू निलेश इलेव्हन डोंबिवली.